माइनक्राफ्ट की 5 ऐसी सेटिंग जिनको अगर आप लोग करते हो तो आप माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन को बिल्कुल जावा एडिशन जैसा बना सकते हो। लेकिन उससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया आप लोगों के लिए जिसमें मैंने बताया कि कैसे आप मोबाइल को पीसी बना के माइनक्राफ्ट खेल सकते हो और F5 बटन का भी आप यूज़ कर सकते हो उसका। तो मैंने नीचे वीडियो का लिंक दे रखा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके देख लो। अगर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन चेक करना नहीं आता है तो मैंने फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर रखा है, वहाँ से भी जाके आप देख सकते हो। तो जाओ जल्दी देखना, और मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया है वो, तो शॉर्ट वीडियो तो ज़्यादा बड़ा नहीं होता, तो आप जाके देख लेना। और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी आप लोगों को यहाँ पे सर्कल जैसा एम दिख रहा होगा, लेकिन आप लोगों को सेटिंग में आ जाना। सेटिंग में आने के बाद आप यहाँ को टच वाली सेटिंग में आना, फिर आप लोगों को नीचे आना और यहाँ पे स्प्लिंट कंट्रोल दिख रहा होगा तो इसको आप लोगों को ऑन कर लेना सिंपली। तो यहाँ पे ऑन कर लिया, फिर आप लोगों के सामने वो सर्कल नहीं आएगा और आप लोगों के सामने एक प्लस जैसा आइकन आएगा जिससे आप लोगों को ब्लॉक तोड़ने में और बहुत सारा काम करने में एम बनाने में आसानी होगी। तो चलो चलते हैं हमारी दूसरी सेटिंग में। तो आप लोगों को सेटिंग में आ जाना, सेटिंग में आने के बाद आपको वीडियो वाली सेटिंग में आना है। फिर आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा पेपर डॉल वाला, तो इसको आप लोगों को ऑफ कर लेना। ऑफ करने के बाद आप जैसे ही बाहर आओगे तो आप लोगों को बिल्कुल जावा एडिशन जैसा आपको एक डॉल दिखेगी छोटी सी, जो कि आपकी पूरी एनिमेशन करेगी। जैसे आप चलोगे कुछ भी करोगे तो आपकी पूरी एनिमेशन दिखाएगी। तो ये वाली तो दूसरी सेटिंग रह गई। उसके बाद आप लोगों को तीसरी सेटिंग में, आप लोगों को पहले सेटिंग में आना आएगा और यहाँ पे वीडियो वाले ऑप्शन में आना। फिर आप लोगों को यहाँ पे नीचे नीचे जाना सब पूरा के पूरा, और यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा UI प्रोफाइल। तो आप लोगों को यहाँ पे पॉकेट रहेगी, तो आप लोगों को पॉकेट से आपको यहाँ को क्लासिक कर देनी है। क्लासिक करने के बाद यहाँ पे फ़ायदा क्या होगा, आप लोगों को पूरी टोटल जावा एडिशन जैसी इन्वेंट्री हो जाएगी। आप लोगों को देख सकते हो यहाँ पे पूरी जावा एडिशन जैसी हो सके हो गई है कि इन्वेंट्री पूरा कैरेक्टर वेटर सब कुछ जैसे दिखा रहे हैं इन्वेंट्री में। चलते हैं अब चौथी वाली है हमारी सेटिंग पे। तो सेटिंग में आ जाना है आप लोगों को। सेटिंग में आने के बाद आप लोगों को वीडियो वाले ऑप्शन में आना है। फिर आप लोगों को नीचे जाना है थोड़ा सा, और यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा आउटलाइन और ये सिलेक्शन क्या बोलते हैं इसे, और ये इस वाले को आपको ऑन कर लेना है। जैसे मैंने ऑन कर दिया है, उसको ऑन करने के बाद आप लोग जब भी यहाँ पे किसी ब्लॉक पे एम करोगे तो आप लोगों को पूरा ऐसा मतलब चौकुट सा दिखेगा पूरा एम करा हुआ। तो ये वाली दी हमारी चौथी सेटिंग। अब आप लोगों को फिर से सेटिंग में आ जाना, और ये हमारी लास्ट सेटिंग है कि, तो आप लोगों को फिर से वीडियो वाले ऑप्शन में आना है। फिर आपको पूरा ही नीचे चला जाना है, स्क्रॉल करते जाना, और ये आप लोगों को यहाँ पे GUI वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इसको पूरा पीछे कर देना है। और इसको कम करने के बाद आप लोगों की डिस्प्ले बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। इससे आप लोगों को फ़ायदा क्या होगा, आपको पूरी जावा एडिशन जैसी पूरी दिखेगी आप लोगों को डिस्प्ले, और इसमें खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। बाकी मैंने आप लोगों को वीडियो में बता ही दिया है कैसे आप माइनक्राफ्ट को मोबाइल में खेल सकते हो पीसी बना के। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं ऐसी न्यू वीडियो के साथ। बाय।